कटिहार में एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने किया सदर अस्पताल में हड़ताल। कटिहारी में 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ इंटक कटिहार शाखा के बैनर तले सदर अस्पताल सहित जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस चालक 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सदर अस्पताल में धरने पर बैठे एम्बुलेंस चालक का कहना है कि 4 माह से वेतन नहीं मिलने से जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य केंद्र तैनात एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। कटिहार सदर अस्पताल में सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस चालकों के संघ में अध्यक्ष अमर सिंह, अब्दुल मतीन, सचिव मणिकांत झा, कोषाध्यक्ष सहित 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि अभी दीपावली और छठ महापर्व है, सभी लोग इसे मनाएंगे लेकिन हम लोग नहीं मना पाएंगे। 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, हम लोग पर्व त्योहार के मौके पर भी मरीजों को अस्पतालों में पहुँचाते हैं लेकिन अब वेतन नहीं मिलने से हम लोगों के घरों में दीपावली फीकी रहेगी। कटिहार जिले में 102 एम्बुलेंस के 158 एम्बुलेंस चालक हैं। हमारी मांग है कि 4 महीने से बकाया वेतन का भुगतान पीएफ और ईएमआईपी का अभिलंब भुगतान किया जाए, सभी कर्मियों का एक साथ नई कंपनी में समायोजन किया जाए। नई कंपनी में न्यूनतम मजदूरी 21,000 मिलना चाहिए। दुर्घटना होने पर गाड़ी की मरम्मति का कार्य कंपनी द्वारा किया जाए। गाड़ी ऑफ रोड होने की अवस्था में कर्मियों को 26 दिनों की हाजिरी मिलनी चाहिए, जैसी मांगे शामिल है। समस्या होगी, देखिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि एम्बुलेंस चालक को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जो एनजीओ के माध्यम से ये लोग काम करते हैं और एनजीओ वाला तो लगता है कि वो प्रधानमंत्री है। इन लोगों को समझिए कि ऐसा बिहेव करता है इन लोगों के साथ जो बर्नर नहीं किया जा सकता है। अगर उस 4 महीने से वेतन नहीं दिया है तो उसकी गलती नहीं है, लेकिन इन लोगों के द्वारा अगर एक गलती हो जाती है तो ऐसा लगता है कि वो नौकरी से निकाल देता है। इसलिए 4 महीने से वेतन नहीं तो खाली पेट भूखा पेट रह के लोग कितना काम करेगा। इन लोगों के भी पीछे बाल बच्चा है, स्कूल है, पढ़ाई है बाल बच्चों को। हाँ ठीक है, और ये परेशानी हो रही है पेशेंट को यहाँ से जाने में, एम्बुलेंस के द्वारा जो बाहर रेफर किया जाता है पेशेंट को परेशानी हो रही है। इसको लेकर यहाँ के जो CS है उसको भी हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले को लेकर, और NGO वाले से बात करना चाहिए कि भाई आप 4 महीने का वेतन नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर लोग जो पेशेंट जिसको रेफर किया जाता है पटना या और दूसरे जिले में, तो वो कैसे जाएंगे, उसको परेशानी हो रही। जब तक CS का पहल नहीं होगा तब तक इसका मामला हल नहीं होगा। इसलिए हम लोग जानते हैं कि एम्बुलेंस चालक कर्मी जो है वो ये लोग निसहाय हैं और ये लोग मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को चाहिए CS बीच में मध्यस्थता करके इन लोगों का जो मामला है इसको खत्म करने का काम। अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठे हुए हम लोगों को 4 महीने का सैलरी नहीं मिला है। दीपावली छठ महापर्व है, उसमें हम लोगों को सैलरी नहीं मिला है और हम लोग का सैलरी क्या है, 10,000 रुपये मात्र सैलरी है। उसके बावजूद भी कंपनी का मनमाना रवैया, जब मन करेगा तब सैलरी देंगे नहीं देंगे, अपनी मर्जी है। और विगत कुछ दिन में दूसरी कंपनी आ रही है और वो अगर ये कंपनी आ जाएगी, जैन प्लस आ जाएगी, तो ये कंपनी हम लोगों को पैसा नहीं देगी। इस कारण हम लोग पूरे बिहार में हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कैसे मनेगा पूजा? नहीं मना पाएंगे, क्या करेंगे? मरीज को ढोते हैं, धो करके सबका काम करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग के घर में पूजा पाठ नहीं होगा। पूजा के दिन भी आप लोग काम करते हैं? हाँ, घर छोड़ के भी काम करते हैं पूजा के दिन। हम लोग एक भी छुट्टी नहीं हम लोगों को। दीपावली, दशहरा, दुर्गा पूजा, चाहे कोई भी पूजा हो, कोई भी त्यौहार हो, उसमें हम लोग काम करते हैं 24 घंटा। चाहते क्या? हम लोग को अपना सैलरी मिल जाए, 100% जो PF ESI का लाभ मिल जाए और जितना भी स्टाफ है, जो नई कंपनी आ रही है उसमें समायोजन हो जाए सबका। मतलब कितने पूरा प्रखंड में हड़ताल? हाँ, पूरे प्रखंड में हड़ताल है। क्या नाम है? अमर कुमार सिंह।